नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेप एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज एंड पीसीएस में। आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो ये है कि आप आईएएस आईपीएस कैसे बने, और ये बहुत सारी बहुत ही रौबदार और बहुत ही शानदार जॉब्स होती हैं जिनके बारे में आज सब कुछ आपको पता चलेगा। आप बस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या और कैसे बनते हैं, क्या योग्यता होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दो चीजों के बारे में। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो प्रकार की सिविल सर्विसेज, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था आपको मैंने, एक होती है सेंट्रल लेवल में जिसे कहते हैं केंद्रीय स्तर पर, एक होती है राज्य स्तर पर। जो केंद्रीय स्तर पर होती है इस पे चयन किया जाता है, चयन करने की जो एक संस्था है जिसका नाम है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य स्तर पर होती है इसे पीसीएस, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, या पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दोनों एक ही चीज है। तो इस पे जब यूपीएससी का आप एग्जाम देते हैं तो आपको, जैसे कोई कहता है अगर मान लीजिए कि मैं आईएएस का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, आईपीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बकवास है, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी यूपीएससी की करते हैं और यूपीएससी एग्जाम लेते हैं और आपको आपके रैंक के अनुसार आप अपने जो जो श्रेणी, कौन सी श्रेणी में आप अपना किस पायदान में कितने मार्क्स पर आप किस पायदान में आते हैं उसी हिसाब से आपको आईएएस या आईपीएस दिया जाता है। ये सारी चर्चा मैं करूंगा आपके साथ, बस आप वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए। सबसे पहले अगर बात करें हम, तो हम चलते हैं सबसे पहले आईएएस और आईपीएस के लिए। देश की सबसे उच्चतम और प्रतिष्ठित और ड्रीम जॉब कहलाती है एक आईएएस और आईपीएस। वैसे तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आईएएस को लोग जो जनरली तौर पर देखते हैं तो आईएएस को तो अगर जानते सब हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जान पाते, लेकिन आईपीएस से अछूता कोई भी नहीं होगा क्योंकि पुलिस की सबसे टॉप मोस्ट जॉब, टॉप मोस्ट यूनिफॉर्मल जॉब जो कहलाती है आईपीएस कहलाती है, इंडियन पुलिस सर्विस। वैसे भी इसमें फिल्मों के किरदारों ने भी दीवाने कर दिए हैं और भारतीय मूवियों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि इस पूरे के पूरे सिनेमा जगत में आईपीएस को ही बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। और उसका भी रीजन है कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर धाक है तो आईपीएस की होती है क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक होता है। लेकिन आईएएस जो होता है इसको फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और इसका है भारतीय पुलिस सेवा। ये दोनों ही शीर्षस्थ जॉब है और इनके बारे में मैं आपको सारी चीज बताने जा रहा हूं। पहली चीज जो जानना जरूरी है कि आप क्या आईएएस बन सकते हैं, यस, लेकिन सभी नहीं। मतलब अगर आपकी उम्र 21 साल है या उससे ऊपर लेकिन 32 साल से कम, मैं सामान्य उम्मीदवार की बात कर रहा हूं, बाद में बात करूंगा एससी एसटी ओबीसी वगैरह की। दूसरी चीज, आपके पास किसी भी राज्य या केंद्र द्वारा स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय, मानक विश्वविद्यालय होना चाहिए, मतलब बस वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा परमिट होना चाहिए, और चाहे वो फिर ओपन विश्वविद्यालय हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे आपके पास बीए की डिग्री हो, चाहे आपके बीएससी की डिग्री हो, चाहे आप एमबीबीएस हो, चाहे बीटेक हो, एमटेक हो, क्या हो, कुछ नहीं, बस आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए, वो भी सिर्फ पास। तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी जॉब सिर्फ आपकी पास डिग्री, अर्थात 33% कहीं मार्क्स होते हैं, कहीं 35% होते हैं, कहीं 40% होते हैं, इसके आधार पर इतनी बड़ी जॉब के लिए आप अपियर हो सकते हैं और आप योग्य साबित हैं, बस आपको इस परीक्षा में बैठना है। तो क्या इस परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ हमें आईएएस आईपीएस ही जॉब मिलती है? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूं यूपीएससी के नोटिफिकेशन में, जहां पर आपको पूरी तरह से एकदम स्पष्ट और क्लियर जानकारी मिलेगी जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी और सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित जानकारी। तो ले चलता हूं मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट या उनका
सूचना पत्र, परीक्षा नोटिस, इस पे आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे उसके लिए पात्र हैं या नहीं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो थर्ड ईयर में हैं और 21 साल के हो चुके हैं और उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, साक्षात्कार परीक्षा के लिए जाएंगे, तो आपके पास ये मूल दस्तावेज सारे होने आवश्यक हैं। तो आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी से इसका होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं इसमें, ठीक है, और कोई भी इसका दूसरा मोड नहीं है परीक्षा भरने का। अब मैं लेके जा रहा हूं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस ही बनते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इस एग्जाम को दे करके भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, विभाग है, मंत्रालय, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे और ग्रुप ए की जॉब पर जा करके आप गजेटेड ऑफिसर के पद को संभाल सकते हैं। मैं सबसे पहले से बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आप इसी वरीयता से, जिस वरीयता से लिखी उसी वरीयता से आप फॉर्म भरते हैं और आप मान लीजिए टॉप करते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, रैंक के ऊपर आते हैं, या कि आपकी अच्छी रैंक होती है अपने कैटेगरी में, तो आप सबसे पहले आपको दिया जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब आईएएस। दूसरे बाद आता है भारतीय विदेश सेवा, जिसे कहते हैं आईएफएस, जाके विदेश में जॉब करते हैं आप जाकर के, जो एम्बेसीज में जॉब करते हैं। इसके बाद आता है भारतीय पुलिस सेवा, याद रखिएगा इसी को हम आईपीएस कहते हैं, भारतीय डाक एवं तार, लेखा और वित्त सेवा ग्रुप ए, जो आप पोस्टल डिपार्टमेंट में जाते हैं, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा ग्रुप, जिसे कैग वगैरह में ग्रुप का में जाते हैं आप, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, आप जानते होंगे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गैस्टेड, बहुत ही एम्बिशियस जॉब कहलाती है, इसमें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद ग्रुप का में आते हैं। इसके बाद भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप का में जाते हैं, इसमें आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में जाते हैं आप, यहाँ पर भी आपकी बहुत बड़ा अच्छा रॉब होता है। भारतीय राजस्व सेवा आयकर, इट मीन्स आप सिर्फ इसमें जाते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। इसके बाद आयुध कारखाना सेवा ग्रुप का, इस पे आप जो प्रशासनिक तौर पर अधिकारी बन के जाते हैं, जहां भी ये डिफेंस से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज होती है वहां काम करते हैं। फिर भारतीय डाक सेवा ग्रुप का में जाते हैं आप, फिर भारतीय सिविल लेखा ग्रुप का में जाते हैं आप, भारतीय रेलवे या तो आईआरटीएस जिसे कहते हैं ग्रुप का में जाते हैं आप, भारतीय रेलवे लेखा ग्रुप में जाते हैं आप, पहले यातायात था फिर आप लेखा अकाउंट ग्रुप में, फिर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में जाते हैं आप। देखिए रेलवे में ही कम से कम 3 पोस्ट, बड़ी बड़ी उच्च श्रेणी की पोस्ट होती है। फिर रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप के सहायक सुरक्षा आयुक्त, मतलब असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर के आधार पर, मतलब आप यहां पर एक अच्छे, आप देखते हैं जब रेलवे में जाते हैं तो आप आरपीएफ रिजर्व रेल पुलिस फोर्स होती है, इसी के अंडर में काम करती बॉस, एक प्रकार का मान लीजिए, वो भी एक प्रकार का यहाँ का एक आईपीएस ही, ये समझिए बात को। भारतीय रक्षा संपदा सेवा ग्रुप का, भारतीय सूचना सेवा ग्रुप का और भारतीय व्यापार सेवा ग्रुप का, भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा मतलब इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप का में जाते हैं आप, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, मतलब जितने भी सशस्त्र सेना है, जितने भी आपकी, आप देखते हैं कि इतनी सारी आर्म फोर्स होती हैं, ठीक, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, वहां के जो टॉप अधिकारी में पहुंच जाते हैं आप। इसी प्रकार से ये हो गई सारी हमारी ग्रुप ए, मतलब यहां तक 19 रैंक है इसमें, 19 पद हैं जो कि ग्रुप आ में आते हैं, मतलब ए रैंक में आते हैं। अब मैं बता रहा हूं आपको बी रैंक, मतलब बी क्लास ऑफिसर विद गेजेटेड, एक है सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल लेखा, दिल्ली अंडमान एक निकोबार द्वीप समूह दमन दादर नागर हवेली सिविल सेवा ग्रुप का, मतलब जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में एसडीएम होता है या एडीएम या डिप्टी कलेक्टर, तो उसी प्रकार से दिल्ली अंडमान निकोबार समूह में ये अलग से इनका तो कोई एग्जाम होते हैं, इसलिए यूपीएससी इनका एग्जाम, क्योंकि केंद्र शासित केंद्र आते हैं, तो यहां पर आप उसी प्रशासनिक तौर पर पहुंचते हैं, इस प्रकार से राज्य का व्यक्ति अपने किसी स्टेट में चयनित होता है। उसी प्रकार से दिल्ली अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह लक्ष्य दमन द्वीप दादर नगर हवेली पुलिस सेवा, इस पे आप जाते हैं, जिस प्रकार से हमारा डीएसपी होता है उसी प्रकार से एसीपी होता है, जो का चुनाव होता है किस पर, इसी आधार पर। उसके अलावा होता है पांडिचेरी सिविल सेवा ग्रुप का, पांडिचेरी पुलिस सेवा ग्रुप का। तो ये हमारी हो गई जॉब प्रोफाइल्स की कहां कहां हम जा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये एग्जाम सिर्फ आईएएस और आईपीएस के लिए नहीं है, बल्कि
24 से 25 प्रकार की जॉब आपको मिलती हैं, तो आप कमर कस लीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए कि हाँ आपको भी यहां पहुंचना है। और याद रखिए दोस्तों, ये कोई भी इनमें से ऐसी पोस्ट नहीं जो भारत के किसी भी सरकारी नौकरी से नीचे हो, टॉप मोस्ट नौकरियों में से ये नौकरियां होती हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे सीधे इसके कि कहां और क्या क्या चाहिए हमें, किन किन चीजों पर और हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो अब आपको मैं इसमें बता रहा हूं कि परीक्षा के जो केंद्र होते हैं वो तीन चरणों में परीक्षा होती है, प्री मेंस और इंटरव्यू, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो ज्यादातर जितने भी स्टेट हैं उन स्टेटों में जो बड़े बड़े सिटीज या कि उसकी जो कैपिटल है, राजधानियां, वहां पर आयोजित होती हैं। आप देख लीजिए इसमें अगरतला, आगरा, अजमेर ये लेकर के पूरे इतने सारी जो सेंटर है प्रीलिम्स के लिए सेंटर है। और जब आप प्रीलिम्स क्रॉस हो जाता है आपका मुख्य परीक्षा के लिए जब चयनित होते हैं, तब ये कुछ मुख्य जगहों पर ही होती है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए केंद्र है इसके अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, त्रिवेणपुरम और विजयवाड़ा। ये सिर्फ सेंटर है जहां पर मेंस का पेपर होता है। अब इस पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, आईएएस और आईपीएस बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, बाकियों के लिए आप भारत का नागरिक हो, नेपाल की प्रजा, भूटान की प्रजा, तिब्बती शरणार्थी जो भारत स्थायी रूप से रह रहे हो, या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका, कीनिया, युगांडा का, यहां से भी आकर के यहां आकर के अगर रह रहा हो, भारत सरकार द्वारा इसके पास एक एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र होना चाहिए, पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो इन सेवाओं को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो ये चीज जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयु, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको जब फॉर्म भरा जाता है तो उसी आधार पर जुलाई या अगस्त के हिसाब से 21 वर्ष की पूरी होनी चाहिए, लेकिन 32 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए किसके लिए साहब, ये है सिर्फ जनरल के लिए। और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हो तो अधिक 5 वर्ष की आयु सीमा और बढ़ाई जाएगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी, और इसके लिए अगर आप जम्मू कश्मीर वगैरह से आप हैं तो 5 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी, या शांतिग्रस्त क्षेत्र से 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी, भूतपूर्व सैनिक है या ऐसी चीजें हैं तो 5 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी, और आपातकाल कमीशन सेवा यहां भी आपको 5 वर्ष। तो बेसिक तौर पर हमने जान लिया है कि पहले 32 साल, ठीक है। इसके अलावा इस सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानना है वो क्या है, वो ये है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। मैं आपको बताया था कि उम्मीदवार के भारत के केंद्र या राज्य के द्वारा निगमित, मतलब उसके द्वारा अथॉरिटी किसी भी विश्वविद्यालय से उसके पास डिग्री या उसके समकक्ष होना चाहिए, सिर्फ पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पर भी लिखा कि जो अंतिम ऐसे व्यक्ति जो अंतिम रूप से परीक्षा में बैठ सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जो थर्ड ईयर में हैं वो भी इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के समय उन्हें अपनी चीजें प्रस्तुत करनी होगी। अब बात करते हैं अवसरों की संख्या। अवसरों की संख्या में मतलब कितने चांस, किसके लिए कितने चांस है। तो सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अभी 6 बार बैठने की अनुमति दी जाती है अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो, लेकिन अगर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए है, उन पर कोई संख्या लागू नहीं, तो वो कितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं, कितने साल तक, 37 साल तक, ठीक है। तो एससी और एसटी भाई बहने मेरे सुने, मेरे दोस्त, कि आप 37 साल तक आप कितनी बार भी, 21 से लेकर 37 साल तक जितने बार चाहे उतने बार आप पेपर से, मतलब जितने साल होते बार दे पाएंगे आप, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछड़ा वर्ग से है तब, तो अगर कोई पिछड़ा वर्ग से है तो उसके पास 9 बार उसको देने के चांस होंगे, अर्थात वो 9 बार इसमें परीक्षा में बैठ सकता है। और याद रखिएगा कि अगर आप सिर्फ पीटी में बैठ गए हैं और मेंस में नहीं बैठते हैं तो ये कभी मत सोचिए कि आपका चांस नहीं गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बस एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, यहां तक सिर्फ आप एक पेपर दे के आते हैं तो आपका वो चांस काउंट हो जाता है। अब शारीरिक मानक जो स्टैंडर्ड है वो आपको मैं नियमावली अलग से अगर कमेंट करेंगे तो आपको सारी चीज बता दूंगा। वैसे मैं बता दूं कि आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस या सिक्योरिटी सर्विस जॉब को छोड़ के बाकी किसी भी सर्विस के लिए आप भले ही विकलांग है कैसे भी हैं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आईपीएस के लिए आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका।
वो मैं आपसे कुछ सारी चीज बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि एससी एसटी जनरल महिला पुरुष किसके लिए कितने हाइट और कितनी की आवश्यकता है, तो मैं जरूर बताऊंगा कि आपको कितनी हाइट आईपीएस के लिए और कितनी चीजें चाहिए। अब इसके बाद उम्मीदवारों से शुल्क सिर्फ 100 रुपया मिल जाता है, मतलब जनरल एससी एसटी ओबीसी अलग, मतलब जनरल और ओबीसी से बस, बाकियों से पैसे नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ 100 रुपए की फीस है आपकी और इसको आप आराम से भर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि आप कहां जाकर के कैसे आवेदन कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से बात करने वाला हूं वो है कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, परीक्षा की योजना 3 चरण में पहले बता चुका हूं, प्रारंभिक परीक्षा, प्रधान में मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार। तो अगर इस पे हम बात करते हैं सर, तो सबसे पहले हम पाते हैं कि अगर आप इस परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस परीक्षा की योजना क्या है और इस परीक्षा की योजना में बैठने के लिए हमें क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा होती है। इस पे प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होते हैं जो कि 200-200 अंकों के होते हैं, जिसमें कि पहला पेपर जो होता है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दूसरे पेपर में सरकार ने क्या कर दिया कि मात्र 33% ही अंक आपको लाने हैं और उसके नंबर भी नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ पहले पेपर जो जीएस का होता है उसके पेपर जुड़ते हैं। ये चीज हमें बहुत जानना जरूरी है। और जब इसी के आधार पर आपकी प्रधान परीक्षा या मुख्य परीक्षा ली जाती है, तो मुख्य परीक्षा का विषय और चीजें जान लीजिए, बहुत आसान है, क्योंकि संविधान की 8वीं सूची में जानते हैं 22 भाग है, तो 22 भाग में से किसी एक कोई एक भाषा चुनेंगे, उसका एक पेपर होगा जो कि क्वालिफाई होगा, एक अंग्रेजी का पेपर होगा 300 भी क्वालिफाई होगा, और इस ये दोनों पेपर क्वालिफाई चेक होने के बाद आपकी कॉपी चेक होगी सबसे निबंध की, जो कि 250 नंबरों का होगा। फिर सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृत, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, कहने का मतलब दोस्तों हिस्ट्री और जियोग्राफी, 2 सब्जेक्ट का पेपर 250 नंबर का। दूसरा शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय, सीधे सीधे कहा जाता है पॉलिटी या आईआर, मतलब पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र और विदेशों संबंध क्या, उसका 250 का। तीसरा पेपर प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, कहने का मतलब सीधा साधा शॉर्ट में इकोनॉमी और मतलब आपके जो अर्थ व्यवस्था है उसका, और साइंस और टेक्नोलॉजी जो आप देखते हैं सुरक्षा के दृष्टि से जो आपदा प्रबंधन है इसका पेपर होगा। और उसके बाद जो चौथा पेपर होगा आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, अर्थात एक प्रकार से ये आकलन करने के लिए अब नया पेपर डाला गया है कि आपके अंदर कितनी समझ है, प्रशासनिक समझ कितनी है, कितने आप इमोशनल इंटेलिजेंट, अर्थात आप कितने भावनात्मक तरीके से आप बहुत ही सुपरवाइज कर पा रहे हैं खुद को। इसके बाद जो आप सब्जेक्ट लेंगे, कोई भी 21 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है, उसके 2 पेपर होते हैं, तो पहला प्रश्न पत्र 1 250 का, दूसरा प्रश्न पत्र आपका 250 का। मैं बताता हूं, एक प्रश्न होता है पत्र होता है उसमें एक व्यवहारिक रूप होता है, दूसरा उसमें थ्योरी रूप होता है। थ्योरी में जैसे उसके जो साइंटिस्ट होंगे या उसके थिंकर होंगे या उसको उसके फिलोसफर होंगे उनके बारे में, और एक उसका जो अनुप्रयोग वाला पेपर है उस पे होता है। इसके बाद आपकी जो टोटल लिखित परीक्षा हो जाती है 1750 नंबरों को जाती है, और इसके बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार, जो कि 275 नंबर का होता है, और ये सारे मार्क्स मिलाकर के 2025 अंकों का हो जाता है, और इस 2025 के आधार पर ही आपको बुलाया जाता है किसके लिए, कि आप आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, क्या बनते हैं, मैंने आपको पहले चीजों को बता चुका हूं। अब आप एक चीज अच्छे समझ लीजिए और देख लीजिए कि आप प्रधान मतलब मुख्य परीक्षा के लिए, प्री में नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए कौन से विषय ले सकते हैं। और याद रखिए, आप चाहे बीए हैं चाहे बीएससी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप एमबीबीएस है तो आप बॉटनी ले सकते, बिल्कुल, आप बीए हैं तो आप चाहे तो आप मेडिकल ले सकते, कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से कहां से नहीं है। इन सब्जेक्ट जो बताने वाला हूं इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कृषि विज्ञान ले सकते हैं, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान ले सकते हैं, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, सिविल इंजीनियर, वाणिज्य तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, विधि प्रबंध, गणित, यांत्रिकी इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, इसके अलावा राजनीति विज्ञान तथा अंतर्संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान और
निम्नलिखित भाषाओं में किसी एक भाषा को भी ले सकते हैं, मतलब असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी। तो कहने का मतलब 26 सब्जेक्ट, और 26 सब्जेक्ट में जो 26वें में ऑप्शन है, इसमें तो और भी ऑप्शन आ गए बहुत सारे, तो इन किसी को भी लेकर के आप क्या कर सकते हैं, अपने बारे में पूरी तरह से सिस्टम लगा सकते हैं, और जिस पे आपकी अच्छी पकड़ है उसके साथ आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं बता रहा था आपको प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में अब ये थोड़ा सा डिटेल में है, मैं चाहता हूं कि ये डिटेल का जो मैं इसका जो सिलेबस है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही चुका हूं। ये जो डिटेल में सिलेबस, अगर आप कमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसके डिटेल सिलेबस को समझाया जाए, और वो भी हिंदी माध्यम में पूरी तरीके के साथ, ये जो चैनल है हिंदी माध्यम के लिए, तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। अगर आप कमेंट करते हैं और आप कहते हैं कि सर हमें एक वीडियो चाहिए, या आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हिंदी माध्यम में या हिंदी में इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता, व्याख्या की आवश्यकता, तो मैं जरूर बनाऊंगा। फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि प्रारंभिक जो प्रश्न पत्र होता है, मतलब पीटी जिसे कहते हैं, 200 अंकों का एक पत्र, दूसरा पत्र 200 अंकों का, तो पहले पत्र में जो होता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब बहुत इजी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पेपर है ज्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि समझ के साथ कितना अच्छी तरीके से आप उसको लिख सकते हैं उसकी आवश्यकता है। क्योंकि आप रिजल्ट देखेंगे तो आप ये पाते हैं कि इसमें 70% 90% आता ही नहीं है, मतलब आप इसमें 40 से 50% का इसमें सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि ये करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गई, ये हमारी ज्योग्राफी हो गई, ये हमारी राजनीति हो गई जिसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था कहते हैं, ये हमारी जो हो गई इकोनॉमी हो गई जिसे हम राज्य अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, ठीक है, ये हमारी पर्यावरण परिस्थिति की जैव विविधता, मतलब ये इकोलॉजी की हो गई। ठीक है, तो ये मतलब देखिए 5-7 टॉपिक हैं जो कि मेंस में ऑलरेडी इंक्लूड है ना, तो आप अगर तैयारी मेंस के हिसाब से करेंगे जबरदस्त तरीके, तो आपका पीटी उसमें क्लियर हो जाता है। दूसरा जो पेपर होता है जिसे सी सेट कहते हैं, ये 200 नंबर को, तो इसमें बोधगम्यता वगैरह आ जाता है। बोधगम्यता का मतलब आप समझिए अनसीन पैसेज आप बचपन से करते आ रहे हैं यार। ठीक है, उसमें आप देखिए कि पूरा एक पैसेज होता है, उसमें से कुछ आपको क्वेश्चन आंसर छाट करके उसमें लिखने होते हैं, कर लेंगे आप आराम से। फिर इसके अंदर संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल, तार्किक कौशल, मतलब थोड़ा बहुत रीजनिंग आवा, निर्णय लेना, समस्या अंदर, मानसिक सामान्यता, 10वीं क्लास तक की थोड़ी बहुत मैथ आ जाती है, और कुछ भी नहीं आता इसमें, मतलब बहुत ही आसान पेपर होता है भी। ठीक है, लेकिन बहुत आसान नहीं होता है, मतलब तैयारी करना जरूरी होता है, अगर आप लगकर तैयारी करेंगे तो आपका जरूर निकलेगा। ठीक है, बाकी ये मेंस का सिलेबस है, मैं आपको इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूं, और हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आप, मैंने अच्छी तरह से आपको एक बात बता दी पूरी डिटेल में, और इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आप आईएएस और आईपीएस कैसे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आप पूरे चांस निकल गए, आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए, तब क्या करेंगे? तब भी एक जुगाड़ है, कमाल का जुगाड़ है, आप स्टेट पीसीएस के थ्रू, पीएससी के थ्रू भी आप आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। हाँ जी, जिसके सपने होते हैं वो कभी भी नहीं रुक सकता बॉस, ये चीज आप अच्छे समझ लीजिए। अगर आपका बनने का सपना है तो आपको बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आप नहीं कर पाते, आप आईएएस आईपीएस नहीं निकल पाता आपसे कभी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने पूरे के चांस लगाए और एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया, तो क्या करें? कोई टेंशन नहीं है, आप तब भी क्या कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, हर स्टेट की एक पीएससी होती है, ठीक है, उस पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और ज्यादातर स्टेट में तो 40 40 ईयर्स से 45 ईयर्स तक वहां सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब अगर आप स्टेट पीसीएस से में सेलेक्ट लेते हैं, तो आप यहां बनते हैं एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर, पुलिस सर्विस जाते हैं यहां राज्य की, तो बनते हैं आप डीएसपी, डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप 10 12 साल के बाद जब आप इस जॉब में रहते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर सीधे आप कहाँ पहुंच जाते हैं, यूपीएससी पे रिकमेंड करके आया पहुंचा जाता है, और आप इस पीसीएस से आप क्या बन जाते हैं, एक आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं, है ना कमाल की बात। दूसरी चीज,
आप जानते हैं ये जो एसीपी और डीसीपी एक्चुअली में ये क्या होता है। जैसे हमारे स्टेट नॉर्मल स्टेटों आप जानते हैं तो वहां पाते हैं आप डीएसपी, एक्चुअली सर दिल्ली वगैरह में इसी को बोला जाता है एसीपी, और जो हमारे एसपी की रैंक होती है वो यहां बोले जाते हैं क्या, एक प्रकार से डीसीपी होते हैं। उसी प्रकार से डीएम जो होते हैं वो कलेक्टर जिनको कहते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो आईएएस होते हैं, और एडीएम जो होते हैं वो आपके जो स्टेट पीसीएस के थ्रू आते हैं वो एडीएम बनते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था और इसको जान करके आपको बहुत अच्छा लगा हो, मुझे पता है। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ भी चीज आप जानना चाहते हैं तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सिविल सर्विस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बातों के लिए, स्टेट सर्विस से लेकर किसी बात, लेकिन ध्यान रखिए ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस के लिए, मतलब चाहे वो स्टेट की हो अच्छा है, कोई और एग्जाम की बात मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ आपसे मैं, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो मैंने चैनल शुरू किया है इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए हिंदी में ही याद रखिएगा, यहां पर मैं इंग्लिश में कंटेंट लेके नहीं आऊंगा और ना ही मेरा लेक्चर इंग्लिश में होगा। तो पहले से याद रखिए कंटेंट भी जो भी होगा, मतलब जितने भी उसमें जो मटेरियल होंगे, तत्व होंगे, या जो भी उसमें विषयवार जो चर्चा करेंगे वो सारा क्या होगा, हिंदी में होगा, उसकी पूरी व्याख्या भी हिंदी में होगी, और क्वेश्चन और आंसर मतलब प्रश्न पत्र जो मैं आज दूंगा प्रश्न और उसके उत्तरों की जो हम तैयारी करवाएंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में करवाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण खबर ये है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे कि आखिरकार मैंने इतनी सारी चीजें बताई तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और मेरे एफबी पेज पर, एफबी पेज मेरा है @JHEPI जो लिखा है @JHEPI अकेडमी फॉर सिविल सर्विस, ये एफबी पेज है यहाँ पर, ठीक है, यही आपका टेलीग्राम पेज भी है, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। तो मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि सर मैं गांव में रहता हूं या मैं शहर छोटे शहर में रहता हूं, मेरे पास कोचिंग करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। तो मैं आपको बताता हूं ये पूरी तरह से अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश है। किसने कहा कि कोचिंग की आवश्यकता है, किसने कहा? आज की डेट में वो भी इतनी डिजिटल क्रांति के बावजूद भी आपको कोचिंग की आवश्यकता। दोस्तों मैं अगर सिर्फ कोचिंग खोल के बैठा होता तो आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे होते, मतलब आप डिजिटल क्रांति के दौर में आपको सारा मटेरियल, सारे तथ्य, सारे फैक्ट, आपको सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप कहीं भी हैं, बड़ी से बड़ी कोचिंग, मेरे चैनल के अलावा बहुत सारे ज्ञान वाले लोगों के चैनल चलते हैं, उनसे आप ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, उनसे आप उनका मटेरियल उनका यूज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठे। तो इसका मतलब ये बहाने बनाना छोड़ो बॉस और सीधे सीधे उठो और लग जाओ। लेकिन ईमानदारी से जब आप फोन में यूज करते हैं तो यार फोन में इंटरनेट आप डलाने के बाद बहुत सारी वीडियोस देख ली इधर उधर की, अब काम की वीडियोस देखना शुरू करिए, काम की वीडियोस शेयर करना शुरू करिए, काम की वीडियो से कंटेंट निकालने शुरू करिए ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। और याद रखिएगा कोई भी अगर लड़का अभी सैट 12th में है या 10th में है और अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो भी अपनी तैयारी पूरी कर सकता है, या आपका छोटा भाई कोई बहन है उसको भी आप तैयारी में लगा सकते हैं ताकि जब वो ग्रेजुएशन तक जाए तो इतना जबरदस्त तरीके से उसके पास हो सके तो एक या दो चांस में ही यूपीएससी एग्जाम को क्या कर सके, वो क्रेक कर सके। तो सबसे बड़ी जरूरी है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब, आप इतना सस्ते सस्ते चैनल हो चुके हैं, इतने सस्ते इंटरनेट पैक हो चुका है, कहीं बैठ करके आप बढ़िया, बस हाँ 5 से 6 घंटे आप पर डे अकेले घर में कहीं भी बैठ करके या किसी भी कोने में बैठ करके, गांव में, खेतों में, कहीं भी बैठ करके, यार हम सब किसान के बच्चे, यार हम भी खेतों की पढ़ाई करके आए। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बस अपना एक नोट्स बनाइए, नोट्स में जरूरी है कि आप जो कोचिंग चैनल का, कोई भी कोचिंग चाहे मेरी देख रहे हो किसी की देख रहे हो, बस आप जरूरी है कि अगर आप कोचिंग का चैनल देख रहे हैं तो आपको एक चीज अच्छे से होनी चाहिए, वो क्या, कि आप उसको अच्छे और ईमानदारी से लिखें और ईमानदारी से उसको फॉलो करें और विश्वास करें। दोस्तों विश्वास, किसी भी कोचिंग का चैनल देखें, किसी भी टीचर से आप अगर गाइडेंस ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं, उस पर विश्वास करिए सर, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप मंदिर में जाते हैं, वहां पत्थर रखा होता है, किसी के लिए पत्थर है, किसी के लिए उस भगवान है, क्यों? कोई कहता है मेरा कुछ नहीं होता, कोई कहता है मैं जब भी आता हूं मेरा सब कुछ सही हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा,
पर डे वो उनका एक होता कि 5 बजे मुझे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, कहीं भी जाना है, मैं भी कहीं जाता हूं, क्योंकि विश्वास होता है, उस विश्वास से उसको ताकत मिलती है। तो आप अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो विश्वास करें, क्योंकि यहां पर हम या कोई भी टीचर, मैं हूं, कोई भी चैनल हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके विद्यार्थी का बुरा हो, यही चाहेगा कि भला हो। बात समझिए दोस्तों मेरी, तो विश्वास करिए, और विश्वास के साथ साथ खुद पर भी विश्वास करिए कि आप कर सकते हैं। आप अगर आपके लोग कहें, अगर आप कहें मैं आप आईएएस बने, आईएएस बनना चाहता, आईपीएस बनना चाहता, लोग आपका मजाक उड़ाते ना शुरू कर देंगे, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, शुरुआत मजाक से ही होगी, फिर कुछ दिन बाद आपका लोग सपोर्ट भी करना बंद कर सकते हैं, कुछ दिन बाद लोग आपको तो देख करके आपका मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन गजब की बात है, जब आप सफल हो जाएंगे तो सबसे पहले यही लोग पहुंचेंगे और एक ही चीज बोलेंगे, यार हमें तो पता था तुम्हें जान बहुत थी और तुम कुछ करोगे जरूर। और सबसे पहले फोटो वही अपलोड करके आपके साथ खींच करके एफबी पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वहां लगाएंगे, और लोगों से बड़े उत्साह के साथ बोलेंगे कि हमारा दोस्त है। तो यकीन मानिए, विश्वास की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो लेक्चर एंड करता हूँ, और इसमें आपको किसी प्रकार के और सजेशन सलाह की आवश्यकता आप जरूर बताएं, कमेंट करें। और सबसे जरूरी चीज, आपके अगर काम का नहीं लेक्चर है तो आप उसको भेजें जिसको आवश्यकता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज। अच्छा, पसंद ना जो डिसलाइक भी करें, ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा कोई दिक्कत है। तो सबसे बड़ी चीज मैं जो बताना चाहता था ये हो गई। एक और बड़ी चीज के बारे में अनाउंसमेंट कर रहा करता हूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं, ये जो मेरा चैनल है, आपको प्री मेंस, इंटरव्यू, सब तीनों की तैयारी कराते हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और जो इसमें मुख्य परीक्षा, मेरा पूरा फोकस मुख्य परीक्षा पर, क्योंकि मुख्य परीक्षा के अंदर ही प्रारंभिक परीक्षा घुसी हुई है। तो मैं जो पेपर की तैयारी करा रहा हूं, पूरी डिक्टेट करके कराता हूं, पूरा लिखवा कर कराता हूं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां पर नहीं होते साहब, यहां पर पूरा का पूरा किसी एक टॉपिक लेकर पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना है, और उसके बाद मुख्य प्रश्न पत्र भी पर डे हर वीडियो में डिस्कस करता हूं, कहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता चल सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप भी थोड़ा मेहनत करें, और जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसको लिख करके, उसका आंसर लिख करके भेजें, तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने के बहुत जल्दी चांस होंगे। इसी के साथ थैंक यू।